फेडरलिज्म क्या है? एक प्रोसेस है या एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, एक नेशन अपने पावर को क्या करता है, डिवाइड कर देता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस यूनिट्स ऑफ फेडरेशन. वेरियस यूनिट्स ऑफ फेडरेशन मतलब क्या, पावर का डिवीजन. पावर का डिवीजन इज बेसिकली फेडरलिज्म. आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो पावर किसके बीच में डिसाइड होता है, तो हम लोग कहते हैं एक तो सेंट्रल अथॉरिटी रहती है और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. सेंट्रल अथॉरिटी मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट यूनिट्स जो रहती है वो क्या रहती है, अलग अलग स्टेट्स रहते हैं. यानी कि जब पावर शेयर होगा, पावर क्या होगा, शेयर होगा बिटवीन अ कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट यूनिट्स यानी कि डिफरेंट स्टेट्स, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं. अब इसको हम लोग थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करें तो फेडरलिज्म में क्या होता है, एक गवर्नमेंट रहती है सेंटर पे, एक गवर्नमेंट क्या रहती है सेंटर पे, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उन सारे सब्जेक्ट्स के जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं. नेशनल इंटरेस्ट मतलब नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखते हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो किसके लिए होती है, वो सारे की सारे सब्जेक्ट जो स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंट होते हैं. अरे जैसे डिफेंस हो गया और फॉरेन पॉलिसी हो गया, ये सारी जो चीजें रहती है नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस के रहती है. लेकिन कुछ स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्री रहती है, जैसे आयरन एंड स्टील है, तो ये उस स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस रखती है. सोयाबीन है, कॉटन है, ये एमपी के लिए इंपॉर्टेंस रखती है. ठीक है ना, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो उन सब्जेक्ट्स पर ध्यान रखेगी जो स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंट है, और जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या रखेगी, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सारे सब्जेक्ट्स का ध्यान रखेगी. ठीक है, तीसरी चीज होती है दे शेयर पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. व्हेन वी से दैट दे शेयर पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के किसी मैटर्स में अपनी नाक नहीं घुसाएगी, और वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के काम में बीच बीच में नहीं बोलेगी. दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. तो ये तो क्या होता है, फेडरलिज्म होता है. एक तरह की गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट. क्या होता है, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर जो सेंटर रहता है वो स्टेट से ज्यादा पावरफुल होता है. जो सेंटर होता है वो क्या होता है, स्टेट से ज्यादा पावरफुल होता है, और जो सेंटर रहता है वो स्टेट को क्या कर सकता है, ऑर्डर्स पास कर सकता है. ओके, नेक्स्ट. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग अ फेडरेशन. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग अ फेडरेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है और छप चुका है. ठीक है, पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाले जो देश होते हैं ना, उनके नाम में हमेशा आगे लगता है यूनाइटेड. क्या लगता है, यानी कि अगर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, बी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, सी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, डी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, अब हम पांचों क्या करेंगे, अपनी इच्छा से मिलकर एक बड़ा स्टेट बनाएंगे. हम पांचों मिलकर अपनी इच्छा से क्या करेंगे, बड़ा स्टेट क्रिएट करेंगे. सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी. सोवरेनिटी मतलब जो स्टेट ए है, बी उसके किसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, जो बी भी है, जो ए भी है, वो बी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा. ये दोनों सोवरेन है. सोवरेन मतलब ये अपना देश अपने अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन ये सारे सोवरेन छोटे छोटे देश मिलकर एक बड़ा देश बनाएंगे. कब, ताकि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सके. यानी कि इन ए बी सी डी ई में से कभी भी किसी एक्सटर्नल बंदे ने ई पे अटैक कर दिया या डी पे अटैक कर दिया, तो ए बी सी डी ई मिलकर साथ क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. आ रही है? तो पुलिंग टुगेदर सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स है, पर देखे तो ये अलग अलग स्टेट है, इनकी अपनी अपनी पॉलिसीज है, ये अपने हिसाब से काम करेंगे. ओके, यहाँ पर जनरली जो स्टेट के पास पावर होता है वो सेंटर के काउंटर पार्ट में इक्वल रहता है. मतलब जितना पावर स्टेट के पास रहेगा, सेंटर के पास भी उतना ही पावर रहेगा. यानी कि जो सेंटर रहता है वो स्टेट को डोमिनेट नहीं करता. ठीक है, दूसरी चीज होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. दूसरा क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है कि वो अपना पावर क्या करेगी, डिवाइड करेगी. जैसे इंडिया है, तो इंडिया अपने आप में एक बड़ी कंट्री है. हमने अपनी इच्छा से क्या करा, छोटे छोटे स्टेट्स में हमारी कंट्री को डिवाइड कर दिया, और हमने पावर शेयर किया हमारे स्टेट्स के साथ. जैसे हमारे यहाँ बजट बनता है, तो बजट कौन पास करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है. लेकिन वो हर स्टेट को क्या करती है, कुछ कुछ अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट करती है, जो वो खर्चा करेंगे उस स्टेट की वेलफेयर एक्टिविटी के लिए. तो यहाँ पर स्टेट और सेंटर इक्वल नहीं होते,
जो स्टेट रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा कम पावरफुल रहता है, और जो सेंटर रहता है वो क्या करता है, ज्यादा पावरफुल रहता है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो द सेंटर टेंड्स टू ऑर्डर क्या, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर, जहां पर सेंटर सारे स्टेट्स को होल्ड करके चलता है. स्टेट्स को किसकी बात माननी पड़ती है, सेंटर की बात माननी पड़ती है. इस तरह के फेडरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इज दैट क्लियर? अब तो हम लोग बोलते हैं पावर डिवाइड हुए हैं, तो लेजिस्लेटिव पावर कैसे डिराइव होते हैं, डिवाइड होते हैं. लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने वाली पावर, लेजिस्लेटिव मतलब कौन सी पावर, लॉ बनाने वाली पावर. तो हमने कहा लॉ बनाने वाली पावर के लिए हमने कितनी स्टेट्स, कितनी लिस्ट क्रिएट करिए, तीन. कितनी लिस्ट क्रिएट करिए, तीन. सबसे पहले कौन सी होती है, यूनियन लिस्ट. सबसे पहले कौन सी होती है, यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट किस चीज पे लॉ बनाती है, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्जेक्ट जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट. सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन से होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, है ना, कि हमको कौन से देश से लड़ाई करनी है, कौन से देश से पीस करना है, कौन से देश से हम लोग को क्या करना है, कौन सी चीज इंपोर्ट करनी है. जैसे अगर आज तुम लोग एक आर्टिकल पढ़ते तो पता चलता तुमको कि इंडिया जो है, जितनी भी अरब कंट्रीज थी आज तक, आजकल उनसे ऑयल ना लेकर कहाँ से ले रही है बहुत सारा ऑयल, रशिया से. तभी जो मैक्सिमम इम्पोर्ट हमारा ऑयल का हो गया वो कहाँ से हो गया है, रशिया से हो गया है. ठीक है, तो बेसिकली ये सारे डिसीजंस कौन लेती है, हमारी यूनियन लिस्ट वाली गवर्नमेंट. ठीक है ना, फिर होती है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में कौन से रहते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जिसपे कौन लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं स्टेट स्पेसिफिक हो जाते हैं. जैसे हमारे स्टेट में कॉटन का बिजनेस ज्यादा है, गुजरात में एक्सपोर्ट का काम ज्यादा है, ठीक है, महाराष्ट्र में बॉलीवुड है या फिर एक्सपोर्ट्स है या जो भी कहानी चीज है, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अपने हिसाब से उन सब्जेक्ट्स पे वो बनाए, रूल्स बनाएगी जो वो स्टेट स्पेसिफिकली क्या रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं. फिर होती है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जहां पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है. ये कॉमन इंपॉर्टेंस के होते हैं. जैसे देश भर एजुकेशन जो है वो स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, सेफ्टी जो है वो स्टेट लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है और सेंटर लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन राइट्स जो है वो सेंट्रल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है. तो इस पे ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये कहाँ कवर होते हैं, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट पे. अब कोई ऐसा सब्जेक्ट है जब इसमें क्या हो रहा है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में किसी ऐसा सब्जेक्ट हुआ जहां पर स्टेट और सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो चलेगी किसकी, सेंटर की. कोई ऐसी चीज है जहां पर स्टेट और सेंटर की क्या हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो किसके डिसीजन चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन चलता है. अब कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आ रहे, कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेसिड्यूअरी पावर कहते हैं. क्या कहते हैं, रेसिड्यूअरी पावर. अब जैसे आज से 20 साल पहले साइबर क्राइम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उसका नाम ना कभी यूनियन लिस्ट में आया, ना स्टेट लिस्ट में आया, ना कॉन्करेंट लिस्ट में आया. क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज हमारे इधर पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो ना यूनियन में आया, ना स्टेट में आया, ना कॉन्करेंट आया. तो वो सारे सब्जेक्ट जो आज तक है ही नहीं, वो सारे कहाँ जाते हैं, रेसिड्यूअरी पावर. कि जब भी कोई नया सब्जेक्ट अचानक से उछल कर आएगा तो उस पर रूल्स कौन बनाएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. और सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिड्यूअरी पावर्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट चीज होती है क्या, अभी हमने सेंटर की बात करी, अभी हम लोगों ने स्टेट की बात करी. अब यूनिट्स ऑफ फेडरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरीज. क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज. अब यूनियन टेरिटरीज वो कॉम्पोनेंट होते हैं देश का जो इतने छोटे होते हैं कि उनको स्टेट नहीं बोल सकते, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि हम लोग, इतने छोटे भी नहीं होते कि किसी स्टेट के साथ मर्ज कर दें, और इतने बड़े भी नहीं होते कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बोला जा सके. ठीक है, तो इतने बड़े भी नहीं होते क्या कि उनको बड़ा स्टेट बना दें, और इतने छोटे भी नहीं होते कि किसी स्टेट के अंदर मर्ज करते हैं. ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. और इनके पास स्टेट जितने पावर नहीं होते, यूनियन टेरिटरीज पे जो रूल्स और रेगुलेशंस बनती है वो कौन बनाती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. ओके, यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, एग्जाम में आता है.
इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है? तो इंडिया में फेडरलिज्म ऐसे प्रैक्टिस होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब क्या, हम लोग जब देश को डिवाइड कर रहे थे होल्डिंग टुगेदर में, तो हमने बोला डिवाइड कैसे करें इंडिया को, तो हम लोगों ने बोला हम लोग डिवाइड ऐसे करेंगे कि जो लोग जिस जगह पर रहेंगे वहां पर वो एक कॉमन लैंग्वेज बोलेंगे। जैसे हमने स्टेट कैसे डिवाइड करे, पंजाब जहाँ पे पंजाबी ज्यादा बोली जाती है, गुजरात जहाँ गुजराती ज्यादा बोली जाती है, महाराष्ट्र जहाँ महाराष्ट्र या मराठी ज्यादा बोली जाती है। आ रही बात समझ में? इनिशियली लोगों को लग रहा था कि इससे क्या होगा, हमारा देश डिवाइड हो जाएगा और हमको लैंग्वेज के बेसिस पे देश को डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन फिर इससे लोगों को लगा कि डिसयूनिटी क्रिएट होगी, लेकिन ओवर द इयर्स ऐसा देखा गया कि हमारा जो ये लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करना था, ये बहुत अच्छा डिसीजन था, ठीक है ना। और इससे हमारी कंट्री डिवाइड तो नहीं हुई, बल्कि उल्टा देखा जाता है कि हमारी यूनिटी और ज्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है, और इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया है, बहुत आसान हो गया है। तो ये थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब डिविजन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेज द पीपल स्पीक देयर। दूसरा होता है लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है ना। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, आज तक किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला कि हमारे देश की लैंग्वेज है। जैसे याद करो जो सिन्हाला थी उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, कहां पर, श्रीलंका में। हमारे तरफ पे बोला हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हालांकि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है पर नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन बोला इसके अलावा हमारे पास 21 रिकग्नाइज शेड्यूल लैंग्वेजेस है, यानी कि अगर नेशनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे अगर गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो रहा है तो वो इन सारे 21 लैंग्वेजेस में होगा। अरे आपको कोई फॉर्म भरना है किसका, गवर्नमेंट का, तो वो फॉर्म आपको इन 21 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। आ रही बात समझ में? 1965 में थोड़ा सा हमारे यहाँ परेशानी हुई थी जब बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, सारे जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल चीजें, उसमें हम लोग क्या नहीं यूज करेंगे, इंग्लिश यूज नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे इंडिया के जिन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ पे हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती है, तो हमको चाहिए कि इंग्लिश यूज हो। स्पेसिफिकली जैसे तमिलनाडु था, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तो अब जब ऑफिशियल चीजें होंगी तो उसमें इंग्लिश रहेगी, हिंदी भी रहेगी, हाउएवर किसी भी दिन हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, हिंदी, ठीक है। लास्ट चीज है तुम्हारी सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ऐसा माना जाता है और देखा जाता है जनरली जब सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नमेंट होती है या सेम पार्टी रूल करती है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसा सेंटर बोलता है स्टेट्स वैसा ही करते हैं और काम बहुत स्मूथली चलता है। लेकिन जब रूलिंग पार्टी सेंटर और स्टेट पे क्या होती है, अलग अलग होती है, तो ऐसा देखा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करके नहीं चलता। आई बात समझ में? तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, कैसी गवर्नमेंट जिसमें दो या दो पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन जीतती है और फिर पावर शेयर करती है।